गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस आई आर बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये न्यू टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है हम लोग बोलेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, या हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, फिर सी एस आई आर नेट में जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो जब भी कभी हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी या ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होता है, या हम लोग बोल सकते हैं पेरेंट्स से यंग वंस प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिप्रोडक्शन। बताने का क्या मतलब हुआ, देखो बताने का ये मतलब हुआ कि मान लीजिए एक पेरेंट है। ठीक है, मान लीजिए हम लोग बोलेंगे एक पेरेंट है। ठीक है, तो पेरेंट में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पेरेंट में हम लोग बोलेंगे फादर होगा, और क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मदर होगा या मदर होगी। ठीक है, ठीक है, तो जब भी कभी हम लोग बोलेंगे पेरेंट्स से क्या चीज का फॉर्मेशन हो जाए, मतलब मदर एंड फादर से क्या चीज का फॉर्मेशन हो जाए, हम लोग बोलेंगे ऑफ स्प्रिंग्स का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे यंग वंस का फॉर्मेशन हो जाए, तो ये कंप्लीट प्रोसेस को, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स बनने तक के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, रिप्रोडक्शन, या हम लोग बोल सकते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे ऑफ स्प्रिंग्स या यंग वंस प्रोड्यूस होता है, हम लोग बोलेंगे पेरेंट्स से। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब क्वेश्चन क्या आता है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ये आता है कि ये जो रिप्रोडक्शन है, या हम लोग बोलेंगे जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहा है, या रिप्रोडक्शन होने के लिए क्या होना पड़ेगा। ठीक है, या पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स बनने के लिए क्या होना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, रिप्रोडक्शन होने के लिए, या हम लोग बोलेंगे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स बनने के लिए, हम लोग बोलेंगे एक सिस्टम होना पड़ेगा। उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, उस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, याद रखिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या बताया, मैंने यहाँ पर बताया कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स बनने तक, या हम लोग बोलेंगे पेरेंट्स से यंग वंस बनने तक, या हम लोग बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन होने के लिए क्या होना पड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन होने के लिए हम लोग बोलेंगे एक सिस्टम होना पड़ेगा। उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो मेल के केस में या फादर के केस में हम लोग बोलेंगे ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे फीमेल के केस में ये जो मदर होगी, इसमें हम लोग बोलेंगे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब देखिए ध्यान से, यहां पर देखिए क्या चीज है, यहाँ पर याद रखिएगा कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, याद रखना है, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक वैसा सिस्टम होता है जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करता है। मतलब हम लोग बोलेंगे पेरेंट्स से क्या चीज का फॉर्मेशन करवाता है, ऑफ स्प्रिंग्स या यंग वंस का फॉर्मेशन कराता है, वैसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि द सिस्टम दैट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये सिस्टम क्या होता है, सिंक्रोनाइज सिस्टम होता है। ये सिंक्रोनाइज सिस्टम क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर बताया कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग बोलेंगे मेल के केस में क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। फीमेल या मदर के केस में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, याद रखना, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसका हम लोग बोलेंगे प्राइमरी काम क्या चीज, हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन करना, हम लोग बोलेंगे मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करना। क्या चीज का फॉर्मेशन करना, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करना। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, स्पर्म। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी काम क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी काम ये है, क्या चीज का फॉर्मेशन करना, फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करना। ठीक है, फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवा बोलते हैं या ओवम बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब देखिए ध्यान से, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्शन होने के लिए सबसे फर्स्ट क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज होना पड़ेगा, गैमेटोजेनेसिस होना पड़ेगा। ठीक है, और गैमेटोजेनेसिस मेल के केस में जब होगा तो क्या बनेगा, मेल गैमेट्स बनेगा। फीमेल के केस में होगा तो क्या बनेगा, फीमेल गैमेट्स बनेगा। गैमेटोजेनेसिस एक वैसा प्रोसेस होता है, याद रखिएगा, जिसमें हम लोग बोलेंगे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस दो वर्ड के मिलने से बना है, गैमेटो का मतलब हो गया गैमेट्स। ठीक है, और जेनेसिस का मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमेटोजेनेसिस होगा, मेल गैमेट्स बनेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी गैमेटोजेनेसिस होगा, क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोलेंगे जब मेल गैमेट बन जाएगा, या हम लोग बोलेंगे फीमेल गैमेट जब बन जाएगा, तो उसके बाद क्या हम लोग बोलेंगे, उसके बाद हम लोग बोलेंगे अगला स्टेप होगा रिप्रोडक्शन का, जिसको हम लोग बोलते हैं, इनसेमिनेशन। ठीक है, इनसेमिनेशन याद रखिएगा एक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे ये जो मेल गैमेट्स होता है या स्पर्म जो होता है, वो हम लोग बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इनसेमिनेशन। इनसेमिनेशन वैसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे जो स्पर्म है उसको ट्रांसफर किया जाता है, कहां तक, हम लोग बोलेंगे क्या बोलते हैं, वजाइना ऑफ द क्या चीज, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इनसेमिनेशन। ठीक है, तो जब इनसेमिनेशन हो जाएगा, जब मेल गैमेट्स हम लोग बोलेंगे फीमेल गैमेट्स तक पहुंच जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे दोनों गैमेट क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूज कर जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे,
फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। फ्यूजन ऑफ गैमेट इज नोन एज हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो तीसरा स्टेप क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन का फर्टिलाइजेशन, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या इसका फॉर्मेशन होगा, हम लोग बोलेंगे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो फर्स्ट हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन होने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल के केस में क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल के केस में क्या चीज है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करेगा, गैमेटोजेनेसिस करेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करेगा, गैमेटोजेनेसिस करेगा, क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब गैमेटोजेनेसिस होगा तो मेल गैमेट से स्पर्म बनेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब गैमेटोजेनेसिस होगा तो क्या बनेगा, फीमेल गैमेट्स बनेगा, ओवा बनेगा, ठीक है। ये पहला स्टेप था रिप्रोडक्शन का। दूसरा स्टेप में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इनसेमिनेशन होगा, मतलब मेल गैमेट्स को ट्रांसफर किया जाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, ताकि हम लोग बोलेंगे क्या हो सके, ताकि हम लोग बोलेंगे मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स क्या हो सके, फ्यूज हो सके, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। और क्या चीज का फॉर्मेशन हो सके, जायगोट का फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। अब ये जो जायगोट है, ये जो जायगोट है, हम लोग बोलेंगे जैसे ही जायगोट बन गया, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया, हम लोग बोलेंगे वैसे हम लोग बोलेंगे प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गया, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, प्रेगनेंसी पीरियड, मैं पीपी लिख रहा हूँ, मतलब प्रेगनेंसी पीरियड या जस्टेशनल पीरियड, ठीक है। जस्टेशनल पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी पीरियड, जीपी मतलब जस्टेशनल पीरियड, ठीक है। तो अब ये जायगोट हम लोग बोलेंगे फर्दर डेवलप करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और हम लोग बोलेंगे चौथा स्टेप होता है रिप्रोडक्शन का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है, इम्प्लांटेशन। याद रखिएगा ये इम्प्लांटेशन हम लोग बोलेंगे जस्टेशनल पीरियड का पार्ट है, या हम लोग बोलेंगे प्रेगनेंसी पीरियड का पार्ट है, ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, मेनली बोल सकते हैं। इम्प्लांटेशन होने के बाद हम लोग बोलेंगे क्या होगा, 9 मंथ के बाद क्या होगा, या 9 मंथ तक क्या होगा, कंप्लीट बेबी बन चुका होगा। अब उस बेबी का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, पार्चुरिशन होगा, पार्चुरिशन होगा, ठीक है। पार्चुरिशन का मतलब हो गया बर्थ ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे बेबी, बर्थ ऑफ बेबी, ठीक है। कितना मंथ के बाद, हम लोग बोलेंगे 9 मंथ के बाद, ठीक है। ये जो बर्थ ऑफ बेबी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ऑफ स्प्रिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हम लोग बोलेंगे कि रिप्रोडक्शन एक वैसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग बोलेंगे मेल एंड फीमेल दोनों इन्वॉल्व हुए, और अल्टीमेटली क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ, हम लोग बोलेंगे ऑफ स्प्रिंग्स का फॉर्मेशन हुआ, या यंग वंस का फॉर्मेशन हुआ, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ, हम लोग बोलेंगे बर्थ हुआ बेबी का, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए ध्यान से, यही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, कि रिप्रोडक्शन एक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे पेरेंट्स से क्या बनता है, ऑफस्प्रिंग्स बनता है, ठीक है। मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बनने के लिए या रिप्रोडक्शन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होना पड़ेगा। मेल के केस में, फादर के केस में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा उसको बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल के केस में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉरी मदर के केस में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा उसको क्या बोलेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्शन में तो हेल्प करता है, वैसा सिस्टम जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है नोन एज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल के केस में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस करना, ठीक है। क्या बनेगा, मेल गैमेट्स बनेगा। फीमेल के केस में भी क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा, क्या बनेगा, फीमेल गैमेट्स बनेगा। इसका मतलब गैमेटोजेनेसिस याद रखना है रिप्रोडक्शन का पहला स्टेप है, ठीक है। ये सब क्या है, रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप है, गैमेटोजेनेसिस नहीं होता रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या चीज, हम लोग बोलेंगे कि मेल गैमेट्स को हम लोग बोलेंगे फीमेल जेनेटिक ट्रैक में क्या होना पड़ेगा, ट्रांसफर होना पड़ेगा, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इनसेमिनेशन। ये दूसरा प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, इनसेमिनेशन, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे जो थर्ड जो ये है, क्या बोलते हैं, थर्ड जो स्टेप है रिप्रोडक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के साथ, मतलब ये फीमेल गैमेट्स के क्लोज पहुंच जाएगा, तो दोनों गैमेट्स क्या होगा, फ्यूज होगा, फ्यूजन इज नोन एज हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। तो ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, फर्टिलाइजेशन तीसरा स्टेप है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया तो हम लोग बोलेंगे, वैसे हम लोग बोलेंगे प्रेगनेंसी पीरियड स्टार्ट हो गया, जिसको हम लोग जस्टेशनल पीरियड बोलते हैं, और ये 9 मंथ तक रहता है। क्या चीज, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, ठीक है, जायगोट बन गया। अब ये जायगोट हम लोग बोलेंगे यूटेरस में क्या होगा, इम्प्लांट होगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। तो अगला स्टेप रिप्रोडक्शन का क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे इम्प्लांटेशन है, ठीक है। और 9 मंथ के बाद हम लोग बोलेंगे कंप्लीट बेबी बन चुका रहेगा, 9 मंथ तक कंप्लीट बेबी बन चुका रहेगा, और उस बेबी का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बर्थ होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्चुरिशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पार्चुरिशन। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये पेरेंट्स है, ठीक है, पेरेंट्स से क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ, हम लोग बोलेंगे ऑफ स्प्रिंग से हम लोग बोलेंगे बेबी का फॉर्मेशन हुआ। जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर समझाया, ठीक है। तो अब देखिए मैं क्या लिखा हूँ यहाँ पर, मैं ये लिखा हूँ कि रिप्रोडक्शन एक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे पेरेंट्स से क्या बना, ऑफस्प्रिंग बना, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है, हम लोग बोलेंगे कि रिप्रोडक्शन क्यों होना पड़ेगा, तो हम लोग बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन इसीलिए होना पड़ेगा ताकि हम लोग बोलेंगे क्या हो सके, कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन हो सके, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूअस एक्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज हो सके, या हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, परपेचुएशन ऑफ स्पीसीज हो सके, इसीलिए रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे एसेंस ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ये जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये रिप्रोडक्शन हम लोग बोलेंगे कितना टाइप का हो सकता है, तो हम लोग बोलेंगे मेन जो टाइप होता है रिप्रोडक्शन का, वो दो टाइप होता है। एक को बोलते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दूसरा को बोलते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जब भी कभी एसेक्सुअल टर्म आएगा, ठीक है, तो ए का मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ए का मतलब एब्सेंट, ठीक है। सेक्सुअल का मतलब क्या चीज, हम लोग बोलेंगे सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स का मतलब क्या चीज, गैमेट्स, याद रखिएगा। गैमेट्स का मतलब क्या चीज, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, या स्पर्म एंड ओवा, हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे
कोई भी गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ए का मतलब क्या है, एब्सेंट है, कोई भी गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कोई भी सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब स्पर्म का भी फॉर्मेशन नहीं होगा और ओवम का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। वैसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलेंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि ह्यूमन के केस में नहीं होता है। दूसरा हम लोग बोलेंगे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये ह्यूमन के केस में होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें हम लोग बोलेंगे कि क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया फॉर्मेशन, और क्या चीज, गैमेट्स, या हम लोग बोलेंगे सेक्स सेल्स, या हम लोग क्या बोल सकते हैं स्पर्म, या हम लोग क्या बोल सकते हैं ओवम, ठीक है, या मेल एंड फीमेल गैमेट्स भी बोल सकते हैं। वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें हम लोग बोलेंगे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है या सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ये सेक्स सेल्स स्पर्म एंड ओवम है, या मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, वैसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि ह्यूमन के केस में होता है। और मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद रखना वैसा सिस्टम होता है जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन को करवाने वाला सिस्टम इज नोन एज हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यूनिकनेस है, यूनिकनेस क्या चीज है, यूनिकनेस ये है कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, सिंक्रोनाइज सिस्टम होता है। ये अभी आपको आगे पता चलेगा जब मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा, तब ये पता चलेगा कि सिंक्रोनाइज जो वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे कि ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसका मेनली हम लोग बोलेंगे दो टाइप, मेन टाइप होता है, ठीक है, जो मैंने यहाँ भी लिखा है, जो मैंने यहाँ भी लिखा है, एक को बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक को बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, याद रखना, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या चीज है, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स को बनाना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या चीज, इसका भी काम है गैमेटोजेनेसिस, ओवा को बनाना, दूसरा हम लोग बोलेंगे इंसेमिनेशन, तीसरा फर्टिलाइजेशन, चौथा इम्प्लांटेशन, पांचवा हम लोग बोलेंगे पार्चुलेशन। ये सारा का सारा स्टेप क्या चीज क्या है, हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन का स्टेप है, ठीक है। और ये रिप्रोडक्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां है, हम लोग बोलेंगे फादर में, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम मदर में, जिसको हम क्या बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तब जाके देखिए हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ है, बेबी का फॉर्मेशन हुआ है, या हम लोग बोलेंगे ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पेरेंट्स से क्या बन जाए, ऑफस्प्रिंग बन जाए, यंगस बन जाए, बेबी बन जाए, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और ये रिप्रोडक्शन होने के लिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 स्टेप्स होना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा का सारा स्टेप्स हम लोग वन बाय वन देखेंगे। अगर आपसे कोई भी पूछे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या चीज है, तो याद रखिएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या चीज है, गैमेटोजेनेसिस है, ठीक है, याद रखना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या चीज है, तो हम लोग बोलेंगे इसका भी मेन फंक्शन क्या चीज है, गैमेटोजेनेसिस है, गैमेट्स को तो बनाते ही बनाता है। इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे जायगोट भी कहीं कहां बनता है, हम लोग बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही बनता है, मतलब फर्टिलाइजेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। इम्प्लांटेशन भी फंक्शन है किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, क्योंकि इम्प्लांटेशन भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही होता है, यूटेरस में होता है। पार्चुलेशन भी हम लोग बोलेंगे किसका फंक्शन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्या होता है, हम लोग बोलेंगे पार्चुलेशन होता है, और हम लोग बोलेंगे बर्थ ऑफ बेबी होता है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ये सब सारा का सारा क्या स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना। तो ये यही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है, अब क्वेश्चन आता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, ये कैसे करके गैमेटोजेनेसिस करता है, और क्या इसका फॉर्मेशन करता है, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। फिर हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, ये कैसे करके इसके स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे करके गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट बनता है, इम्प्लांटेशन होता है, पार्चुलेशन होता है, ये सब सारा का सारा हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारा कुछ अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है।